Question number 3. How long would RS 1250 has to be deposited at 6% per year simple profit to gain RS 750 simple profit? कहता है डिपॉजिट कराने कितने 1250, तो ये 1250 क्या हो जाएंगे, बस प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल इसमें लिख सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी हमारे पास, आरएस 1250। सबसे पहले से लिखा है हो लॉन्ग वुड मतलब कितना टाइम लगेगा, तो हमने फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। हो लॉन्ग इट वुड, तो हमने क्या फाइंड करना है, टाइम क्या करना है, फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ गई 1250 टू बी डिपॉजिट एट 6% पर प्रॉफिट, हमें रेट क्या दिया गया, रेट प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज जो कहते हैं रेट, और रेट क्या है 6% प्रॉफिट पर डिपॉजिट किए जाए, 6% प्रॉफिट पर ईयर, तो पर ईयर 6% प्रॉफिट, ठीक है, 6% प्रॉफिट में पर ईयर डिपॉजिट किए जाए पर ईयर, यहाँ पर टाइम नहीं गिवन, ठीक। प्रॉफिट टू गेन आर एस 750 सिंपल प्रॉफिट, तो गेन कितना प्रॉफिट कमाना है, आर एस 750 ₹750 प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट हमें कितना दिया गया है, इस पर कितना प्रॉफिट कमाना है, ₹750। ये क्या है, सिंपल प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है, सिंपल प्रॉफिट आर एस 750। 6% मुनाफे में कितने अरसे के लिए, कितने सालों के लिए इसे स्टोर कर दिया जाए, ₹1,250 का हम कमा सकें, ₹750 प्रॉफिट, ये सवाल है हमारे पास। तो इसका हम टाइम का जो फार्मूला था हमने पीछे ड्राइव किया था, मेन फार्मूले में से एक फार्मूले से तीन फार्मूले मैंने आगे बनाए थे, वो फार्मूला था टाइम का, प्रॉफिट सिंपल प्रॉफिट, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करता था किससे, 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100, और नीचे आते थे हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट एंड रेट, रेट और प्रिंसिपल अमाउंट नीचे आते थे, रेट और मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। इस फॉर्मूले में रिक्वायर वैल्यूज है वो पुट कर देंगे, प्रॉफिट की जगह पे 750 मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 100 से, रेट क्या है हमारे पास 600, यहाँ पे अगर लिखेंगे तो सिर्फ सिंपल 6 लिखेंगे, अगर 100 नहीं लिखेंगे फॉर्मूले में तो तब किधर का लिखेंगे 6%, ये याद रखिएगा फार्मूला, और मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास 1250, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 10, 0 0 से कैंसिल, इसे सवाल सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास जवाब आएगा इसका 10, सॉरी इधर आर एस नहीं आएगा क्योंकि टाइम है, क्या है टाइम किस में होगा, ईयर्स में, इसमें जितना भी हम टाइम यूज करेंगे सेकेंड या मिनट्स में नहीं, किस में, ईयर से पार ईयर दिया है तो हम ईयर में लिखने का जवाब 10 साल इसे रिक्वायर्ड है इतना करने के लिए।